राजधानी रांची में अवैध निर्माण करने वाले भवनों को सील करने और फिर उसे तोड़ने की कार्रवाई रांची नगर निगम ने शुरू कर दी है। नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने आदेश दिया है कि नागरमल मोदी सेवा सदन समेत अवैध रूप से बने 43 भवनों को अगले 7 दिनों के अंदर सील कर तोड़े, साथ ही भवन मालिकों पर 1 लाख रूपए से लेकर 10 लाख रूपए तक का जुर्माना लगाए। जिन अवैध भवनों पर कार्रवाई होनी है उनमें वर्षों पुराना फूल बाबा आश्रम, चिन्मय मिशन, माहेश्वरी भवन, 3 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स समेत छोटी बड़ी दुकानें भी शामिल है। बता दें आपको कि नगर निगम ने पिछले साल बड़ा तालाब के किनारे बने भवनों का सर्वे कराया था, उसके बाद सभी भवन मालिकों को नोटिस भेजकर 15 दिनों के अंदर भवन का नक्शा समेत अन्य कागजात जमा करने को कहा था, लेकिन 43 भवन मालिकों ने निगम के नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया और अब नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। तो 43 भवन सील होंगे, नागरमल मोदी सेवा सदन के अलावा फूल बाबा आश्रम, चिन्मय मिशन समेत ऐसे 43 भवन है जिन्हें सील करने का आदेश दिया गया है। रांची नगर निगम की बड़ी कार्रवाई है ये अतिक्रमण को लेकर। सेवा सदन समेत 43 भवन सील किए जाएंगे और अगले 7 दिनों के अंदर इन भवनों को सील कर तोड़ने का आदेश दिया गया है। बड़ा तालाब अतिक्रमण में नगर निगम ने ये कार्रवाई की है। निगम ने 3 बार नोटिस दिया था लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, जिसके बाद ये एक्शन लिया है नगर निगम ने। और सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी अंजनी का, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंजनी, बार बार नोटिस, बार बार ये कहना कि आप नोटिस का जवाब दें, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सालों से ये चला आ रहा है कि नोटिस भले आ जाए कुछ होने वाला नहीं, और इस बार भी कुछ यही। देखिए, पिछले साल नोटिस दिया क्या, 15 दिनों में जवाब दाखिल करने की बात कही गई थी, लेकिन किसी ने इसे जरूरी नहीं समझा, और जिन्होंने जरूरी नहीं समझा उनके लिए अब ये कार्रवाई नगर निगम की तरफ से। देखिए आरती, लगभग 3 बार जो है नोटिस दिया गया था और नगर निगम का जो कोर्ट है उसमें अपियर होना था, मतलब आपके घर के या मकान का या ऑफिस के जो तमाम जो कागजात हैं उसको सबमिट करना था, अपनी बातों को रखना था। तो नगर निगम ने एक मौका जरूर दिया कि आप अपनी बातों को रखें, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, और यही वजह से तमाम जो चीज़ें हैं, लगभग ये बड़ा तालाब के अगल बगल 43 ऐसे भवन को चिन्हित किया गया है जिन पे गाज गिरने वाली है, और अब ऐसा लगता है कि नगर निगम जो है अब किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं है, मतलब नगर निगम अब जो है सील करेगा और यदि जरूरत पड़ेगी तो तोड़ेगा भी। देखिए, आज से 1 महीना पहले की बात है आरती, रांची नगर निगम के द्वारा जो है रांची शहर में कम से कम 5-6 बड़े बड़े भवनों को सील किया है, क्योंकि आप ये बर्दवान कंपाउंड के इलाके में 2-3 भवनों को सील किया गया है, जो 4 तल्ला मकान जो है बिना नक्शा पास कराए, जो कागजी कार्रवाई पूरी करनी थी, तमाम चीज़ों को धत्ता बताते हुए लोगों ने घर बना लिया था। यदि तमाम ये 43 जो भवनों को जो चिन्हित किया गया है, नगर निगम ने नियमानुसार जो कागजात मांगे थे वो देने से इन लोगों ने इनकार किया है, 3 बार अपीयर नहीं हुए हैं, और यही वजह है कि अब जो है 43 जो भवन है वो सील होंगे। देखिए, थोड़ी तस्वीर दिखाते हैं आरती, लोगों को भी थोड़ा तस्वीर देखना चाहिए। ये मेरे पीछे का जो इलाका है इसमें कम से कम 25 से 30 भवन है, सामने सेवा सदन है, और इससे आप राइट हैंड तरफ आगे बढ़ेंगे तो लगभग जितने भी जो भवन है या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है या जो छोटे छोटे जो दुकान है, तमाम लोगों को नोटिस दिया गया है। और हमारे बाईं ओर देखेंगे तो ये बड़ा तालाब का वो इलाका है जो फूल बाबा का जो मंदिर है, फूल बाबा का जो आश्रम है, वो आप सामने तस्वीर देख सकते हैं। ये इस इलाके में कई भवनों को चिन्हित किया गया है, तो एक बड़ा इलाका है, चिन्मयी आश्रम भी इस कोने में है, तो उसे भी नोटिस दिया गया है। तो आप समझिए कि किस तरह की बातें हैं, अब जो है कागजी कार्रवाई होगा। अब थोड़ी बड़ा तालाब की तस्वीर देखिए आरती, बड़ा तालाब एक समय कितना खूबसूरत दिखाई देता था, हम बड़ा तालाब के दूसरे तरफ हैं,
और जो तस्वीर आप देखेंगे, देखिए ये तस्वीर देखिए किस तरह से बड़ा तालाब एक खूबसूरत जगह था और किस तरह से ये कबाड़ में तब्दील हो गया है। देखिए मिट्टी यहाँ जो है मिट्टी भर दिया गया है, मतलब जितने तरह के जो कूड़े कचड़े हैं यहाँ डाला गया है और पानी गंदा है। मैं तीन दिन पहले फिर एक स्टोरी दिखाई थी, अब जो है बड़ा तालाब में जो है ग्रीन जो लेबल है वो बन रहा है, मतलब अब जलकुंभी फिर से बनेगा, उसकी उसका प्रथम स्टेज है। तो बड़ा तालाब को लेकर अगल बगल में रहने वाले तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं दोषी हैं, नगर निगम भी इसको लेकर दोषी है। अब भले हाईकोर्ट के संज्ञान के बाद, हाईकोर्ट के सख्ती के बाद जो है नगर निगम रेस हुआ है, अच्छी बात है, जो गलत है उस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, जो नियम है नियमानुसार जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बड़ा तालाब का को बचाने की बात है, पर्यावरण संतुलन जो है वो बिगड़ रहा है। और ऐसे में ये हम जरूर कह सकते हैं बड़ा तालाब की जो तस्वीर और तकदीर है उसको देखते हुए हाईकोर्ट ने तमाम चीजों पे संज्ञान लिया है, और यदि नगर निगम इस तरह से कार्रवाई नहीं करता तो आने वाले समय में नगर निगम के लिए भी परेशानी का सबब होता। तो बड़ा तालाब के अगल बगल जो तमाम जो 43 जो भवन है चिन्हित किए गए हैं उन पे आने वाले समय में गाज गिर सकती है, भवन सील हो सकते हैं। और अब देखना ये होगा कि जब तमाम लोगों को नोटिस मिला है तो अब आगे वो लोग क्या करेंगे। लेकिन अब यही है कि जिस तरह से कल हमने खबर दिखाई, हम लोगों ने लाइव किया था आपकी, ये कांके डैम के इलाके में इन तीन बार में किसी बार भी, मतलब ये कहें कि रिमाइंडर की तरफ से भी ये कहा जा सकता है, रिमाइंडर भी दिया गया, बावजूद इसके इन जो 43 भवन है जिन्हें सील कर तोड़ने का निर्देश दिया गया, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जब आज से कार्रवाई शुरू होगी तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि शायद अब डिफेंस में कुछ इनकी तरफ से कहा जाए या फिर कुछ दस्तावेज पेश किए जाए, या फिर ये अब आखिरी कार्रवाई है कि आज अगर सील किए जाते हैं ये भवन तो फिर तोड़ने की कार्रवाई भी शुरू होगी। देखिए इस लगभग 43 जो भवन है उसमें एक सेवा सदन है, सेवा सदन हॉस्पिटल है, हो सकता है कि अभी यहाँ मरीज काफ़ी संख्या में है तो थोड़ा समय हो सकता है कि नगर निगम मानवता के नाते दे सकता है, लेकिन तमाम जो अन्य जो भवन है उन पे कार्रवाई की करने की पूरी तरह से मूड अब जो है नगर निगम ने बना ली है, क्योंकि इन लोगों ने नियम को ताक पे रखते हुए तमाम चीज़ों को धत्ता बताते हुए अपनी मनमर्जी से चलने का जो प्रण लिया है, तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई करने के लिए नगर निगम अब पूरी तरह से सख्त है। और हमें लगता है कि जब प्रथम चरण में सील होगा और उसके बाद यदि जिस तरह से रिक्वायरमेंट होगा तो भवन तोड़े भी जाएंगे। इसके पहले भी रांची में कई भवनों को तोड़ा गया, कल जिस तरह से अतिक्रमण कांके डैम के इलाके में जो अतिक्रमित जो भवन थे, छोटे छोटे घर थे, वो तोड़ा गया था। आपको बता दें कांके डैम के इलाके में जिस तरह से किसी ने 5 कट्ठा जमीन ली और बगल में जो सरकारी जो जमीन था अब उस पे भी अतिक्रमण लोगों ने डैम के इलाके में कर लिया, और ऐसे में पर्यावरण संतुलन बिगड़ता है, माहौल बिगड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि जिला प्रशासन कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अब नगर निगम सख्ती के मूड में है और जिन्होंने भी इंक्रोचमेंट किया है और बार बार नोटिस देने के बाद भी जवाब नहीं दे रहे हैं तो अब उन पर कार्रवाई का वक्त आ गया है। नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट्स लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए बड़ा तालाब अतिक्रमण मामले में नगर निगम की कार्रवाई, 43 भवन सील किए जाएंगे, इसे लेकर निगम ने 3 बार नोटिस दिया था लेकिन इनमें से किसी ने जवाब नहीं दिया। कागजात देने के लिए 15 दिन की मोहलत दी गई थी, कोई कागजात पेश नहीं किए गए। फूल बाबा आश्रम, चिन्मय मिशन, माहेश्वरी भवन, ये सभी सील किए जाएंगे और इन भवन मालिकों पर 1 लाख से 10 लाख तक का जुर्माना लगेगा। तो अब आज ये भवन सील किए जाने हैं और 7 दिनों के अंदर सील करने के बाद तोड़े जाएंगे ये अवैध निर्माण।